टेस्ट होगा और भी मजे आएंगे, और चाहे तो आप वैनिटी की एक ही दे देना उनको। फैंटास्टिक आइडिया यार, फैंटास्टिक, यही करता हूँ। अच्छा भाई साहब जी, और एक छोटा सा काम कर दीजिए ना जी। देखिए ना कितनी फैंटास्टिक ब्यूटीफुल सेक्सी हीरोइंस बैठी हैं, इनमें से किसी एक को मेरी फिल्म के लिए साइन करवा दो ना यार। आपका दिमाग तो नहीं खराब है, ये पता कितनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं और कितनी मुश्किलों का सामना करके यहाँ तक पहुंची हैं। जानता हूँ भाई साहब, जानता हूँ। मैं भी जब आया ना तो मुझे भी ट्रैफिक बहुत मिला, 3-4 मेटल डिटेक्टर से मैं भी गुजरा हूँ भाई। तो अजीब इंसान, मेरी बात नहीं समझ रहे हो, ऐसे लगता है ये ढीठ किस्म के प्रोड्यूसर हैं। ये ऐसे मानेंगे नहीं। कौन सी हीरोइन साइन करना चाहते हैं बताइए मुझे। आइए ना, यहाँ पे एक से बढ़के एक हीरोइन यहाँ पे बैठी हुई है, वो प्रियंका जी, प्रियंका चोपड़ा। ट्राई करने में क्या, प्रियंका चोपड़ा साइन करनी है। हाँ। वो जिस पेन से साइन करेंगे वो भी आपसे बड़ा होगा, आपको पता है। मैं आपको, हाउ आर यू प्रियंका, हाउ मैम, नाइस टू मीट यू एवरी टाइम। आप क्यों इतना तैयार हो के आई हैं जी? ये अभी आपने इनको एक डायलॉग बोल के दिखाना है, भैंस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबरी करेगी। और खड़े होके थोड़ा रोमांटिक वे में बोलना है आपको कि भैंस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबरी करेगी। भैंस, हाँ, भैंस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं करेगी, क्या करेगी? गोबरी करेगी। वाह वाह, फैंटास्टिक, डन डन। मेरा ऑडिशन, गोबर की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा चाहिए थी आपने पर आपको ये पसंद आई? हाँ पसंद है, सारी दुनिया को पसंद आ रही है, आपको अलग है। फोन लाइए, आपको इस सेक्सी अंदाज के लिए आपको ये फोन गिफ्ट दिया जाता है, वर्ल्ड का सबसे सेक्सी फोन, ये चेक कर सकते हैं आप, आपको दिया जाता है। वैसे तो आप इतनी अमीर हैं, अगर नहीं रखना तो मुझे दे दीजिए। Thanks, kapil. No, Priyanka, it's for you only from my side. Aww. Keep missing me. I always do. My pleasure. बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप। ये ऑरेंज कलर की ड्रेस नागपुर से बनवाई है आपने? बहुत प्यारी लग रही हैं आप हमेशा की तरह। जीती रहें, खुश रहें, ऐसे ही तरक्की करती रहें। Thanks, kapil. Thank you, Priyanka. Thanks, kapil. Can I have a mic back, please? You asked me for it, kapil. ओके प्रोड्यूसर साहब आइए, मैं आपको ये देखिए, श्रद्धा कपूर हैं यहाँ पे। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि एक आपको डायलॉग बोल के सुनाएं। श्रद्धा खड़ी होकर बोलना आपको कि अगर मैं सफेद साड़ी पहन के लाल बिंदी लगा के निकलूं तो माँ कसम एम्बुलेंस लगूंगी। बहुत अच्छी ड्रेस पहनी इन्होंने भी, इसलिए तो एम्बुलेंस ना। सुपर साहब, क्या बात है, एक बार श्रद्धा के लिए बहुत तालियां दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। लीजा बैठी हुई है, मेरी को इसकी हिंदी बड़ी अच्छी लगती है। लीजा आपके लिए बड़ा ही शुद्ध हिंदी डायलॉग है, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। यू शुड ट्राई बेबी, कम ऑन प्लीज, यू शुड ट्राई एटलीस्ट वन। यू गिव मी अ डायलॉग टू से, जिंदगी झंडवा, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। झंडवा बोल रही है, फिर भी घमंडवा। क्या बात है, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, मतलब जो भी आपने बोला। Everything is fantastic. नहीं ये तो मैंने अपनी तरफ से बोला, ये बोलने की जरूरत नहीं थी। एक बार लीजा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। प्रोड्यूसर साहब आपको मैं एक से बढ़कर एक अभिनेत्री हूँ यहाँ पे मिलवाने वाला हूँ। अरे दीपू कहाँ गई, मैं आ नहीं रहा हूँ, पता नहीं खिंचा चला आता, मेरी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ। दीपिका आपके लिए बड़ा ही रोमांटिक डायलॉग है, आप प्लीज खड़े होके बोलना है आपको, बड़ी अच्छी लग रही है, गीले गीले बाल, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। फोन मैं आपको दूंगा बकायदा, आप अपना नंबर दे दीजिए मुझे, मैं अपना दे देता हूँ, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीपिका आपने बड़ा ही रोमांटिक डायलॉग बोलना है कि मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं जो थर से खोला और फर से पी गए। राजू सर प्लीज डायरेक्ट मी। राजू सर आप आ जाइए सर, आजकल पता नहीं सारे आप ही भरोसा कर रहे हैं, आइए। सर डायलॉग बड़ा सिंपल है, मैं तो मेरा प्यार भी बड़ा है दिलों दिल से, तो मैं ज्यादा मुश्किल काम दिया भी नहीं है, तो इतना सा डायलॉग है सर, आप प्लीज इनको बता दीजिए कैसे करना है। ये तो ऐड लग रहा है कोई कोल्ड ड्रिंक का। शत्रुघ्न सिन्हा साहब का पर्सनल कोल्ड ड्रिंक है जो हमेशा यूज करते हैं। मंगल का खून, मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं, कोई लेमन सोडा नहीं जो थर से खोला, जो थर से खोला और फर से पी गए, और फर से पी गए। ओके ठीक, ओके ठीक। इनके मुंह से थर और फर भी इतना रोमांटिक लगता है ना कि मेरा
मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ. और कैसी हैं आप? आप उनके साथ बैठे हुए हैं? क्यों बैठे हुए इतना करीब आप? बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ भाई साहब. ये मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता. एक मिनट बताइए, आप क्यों बैठे हुए हैं उनके साथ? जनता जवाब जानना चाहती है. काला सूट हमारे पास भी है, हम तो बैठे नहीं. ये लो, आप पहन लो. उतारिएगा मत, आपने ड्यू नहीं लगाया हुआ. पहले बताइए आप बैठे क्यों दीपिका के पास? ऐसा क्या किया जो दीपिका ने आपको अपने पास बैठने दिया? आई वॉन्ट नो मैन. आई डोंट नो मैन. इवन आई डोंट नो, तो मैं बैठ सकता हूँ. आ जाइए. अच्छा, आपको पता है आजकल हमारी जितनी भी अभिनेत्रियां हैं वो सब गाना गाने में बड़ा इंटरेस्ट रख रही हैं. दीपिका, आपके मुंह से कभी गाना नहीं? नहीं, मुझे पता आप नहीं गाएंगी. मैं आपके लिए गाना चाहता हूँ. आप डिस्ट्रैक्ट कर रही मुझे. फोन दीपिका, इसमें फोन तो है ही, मेरा नंबर भी है. यू कैन कॉल मी एनी टाइम, ऑलवेज देयर फॉर यू. या आई हैव ऑलरेडी स्टोर्ड. मैं तो जब ये असेंबल हो रहा था तभी घुस गया था फैक्ट्री में. मैंने कहा इसमें नंबर डाल के देना. सर, पीछे कृति बैठी हुई है. हाँ. आप उनसे कोई डायलॉग तो नहीं बुलवाना चाहते आप? हाँ, बुलवाएंगे ना. कृति, आप एक सेकंड आएंगे जरा बाहर? तो कृति आपके सामने खड़ी, आप क्या कुछ बुलवाना चाहते हैं कृति से? जिंदगी क्या है, झंडुआ फिर भी घमंडवा, बोल दीजिए प्लीज. और इसको रोमांटिक वे में बोलना है आपको. बोलिए प्लीज. आप बहुत दूर हैं एक्चुअली. मैं मेरे को बोल दीजिए. थैंक यू कृति. थैंक यू. अच्छा, फिल्म तो आपकी रिलीज हो चुकी, अभी भी टाइगर के साथ क्यों घूम रही है? इसलिए कि टाइगर बहुत कम रह गए दुनिया में. ये आपके लिए है, वर्ल्ड का सेक्सीएस्ट फोन फॉर द सेक्सीएस्ट लेडी. शुक्रिया, जीती रहिए, खुश रहिए. परी तो मेरी ना बचपन की मतलब फ्रेंड है. परी, तुम्हें कैसा लगता है जब जब मुझसे मिलती हो? तुम्हारे दिल में कुछ ऐसा होता है कि साफ खुल के बताओ, कोई गुस्सा नहीं करेगा? मुझे गुस्सा अभी भी आ रहा है और हमेशा आता है. किस बात पे आता है? क्या सब तो ठीक चल रहा है? तो ऐसे की कर रहे यार, वापस जा अमृतसर. अमृतसर क्यों जाऊं मैं? अमृतसर से मैं वापस जाने के लिए आया था. खुद तो सारी बहनें इंडस्ट्री में आ गई, हमें अमृतसर भेज रही हैं. वाह, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए.